खबर ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां नकली सीमेंट फैक्ट्री में रिजेक्टेड सीमेंट को दोबारा से तैयार कर निजी सीमेंट कंपनी की बोरियों में पैक कर माल सप्लाई किया जाता है, जिसके चलते आधा दर्जन लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें से दो आरोपियों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी के चार फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में अल्ट्राटेक कंपनी के नाम पर सीमेंट की खाली बोरियां तैयार करने वाले प्रिंटिंग मशीन पर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, एडिशनल SP क्राइम राजेश दंडुतिया ने बताया, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने शिकायत की थी कि निजी सीमेंट के नाम से नकली सीमेंट तैयार किया जा रहा है, और जब क्राइम ब्रांच ने यहाँ छापा मारा तो मौके पर दो गोदाम बने मिले, जिनमें 200 से बोरी अधिक नकली सीमेंट से भरी बोरियां और 5000 नकली बारदाना भी बरामद किया। वहीं आरोपियों ने निजी सीमेंट कंपनी का जैकेट सीमेंट दोबारा से तैयार कर निजी सीमेंट की बोरियों में भरा जा रहा है, और इसे बाजार में सप्लाई करने की तैयारी थी। तब पुलिस ने मौके से मैनेजर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। के अंतर्गत धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत और कॉपीराइट के एक्ट के प्रावधानों के तहत एक FIR रजिस्टर की गई, जिसमें कि मौके पर द्वार मिले तो उन समेत कुल 6 लोगों को बनाया गया, जिसमें कि दो गोदाम जिनके मालिक हैं और इसके अलावा जो संचालित कर रहे थे, तो इसमें कुल मिलाकर 6 लोगों को FIR की गई, जिसमें दो को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन तथ्यों के आधार पर।